वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 20 नंबर का एक टेस्ट। अगर आपने इसके अंदर 17 नंबर आपने गेन कर लिए, इसका मतलब आप दिल्ली एम्स के अंदर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। 17 नंबर मार्क्स भी कब? आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बाद। एक क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो रहेगी अपनी 25। तो दोस्तों अब आप टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट देने के लिए क्या करना है आपको? एक तो पेन लेना है आपको, और एक आपके पास पेपर लेना है। ठीक है, पेपर पे आप 1 से 20 तक नंबर्स लिख लीजिएगा। जैसे ही मैं पहले बोलूं कि 1, ठीक है, जिस क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना आंसर जो सेलेक्ट करेंगे उसको वहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, बाद में मेरे आंसर से मिलाकर उसको राइट, या अगर राइट है तो राइट, और आपका आंसर करेक्ट रॉन्ग है तो उसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिएगा। जब पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा तब इसके बाद आप कैलकुलेट करिएगा कि आपको कितने नंबर्स 20 क्वेश्चन के अंदर मिले हैं। तो इसके बाद में आपके अंक जरूर शेयर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वीडियो का वो भी 20 मिनट्स ही रहेगा क्वेश्चंस का। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं मेरे आंसर बताने से पहले। जैसे मैं बोलूँगा करेक्ट आंसर, उसके पहले आप पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम के हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर 17 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स रखे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट हो जाइए। बैसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ, यानी कि जो बैसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग है वो किसके सेवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बात करें अपन किसकी? फूड पॉइजनिंग की। ग्रीन बीन्स, फ्राइड राइस, बॉटल्ड हनी, बैग्ड पोटैटो। ठीक है, तो ये पॉइजन किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, बैसिलस सेरस फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अब अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना फ्राइड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। फाइन डाउनी हेयर्स नॉर्मली फाउंड एबुडेंटली इन प्रीमेच्योर बेबीज इज कॉल्ड, यानी कि जो फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो फाइन हेयर्स होते हैं जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, प्रीमेच्योर जो बेबीज होते हैं, यानी कि जिनका 37 वीक्स से पहले जो बर्थ हो जाता है, उन बेबीज के ऊपर जो हेयर्स पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपुट, लेनुगो, नेवी, वर्निक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा 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 लेनुगो, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं अपन? लेनुगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर? प्रीवेलेंस रेट, डिसेबिलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, इंसिडेंट रेट। ठीक है, यानी कि इंसिडेंस रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप क्या होगा? क्रूड डेथ रेट। ठीक है, यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द बिलो इज मॉर्टेलिटी इंडिकेटर, यानी कि मृत्यु दर होती है उसका इंडिकेटर कौन है? तो उसका जो इंडिकेटर कौन है? क्रूड डेथ रेट। ठीक है, उसे जो इंडिकेटर है वो कौन है? क्रूड डेथ रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना वाला, कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल्स ऑफ एयरवेज, ब्रोंकियोडाइलेशन, इंक्रीज सिक्रेशंस, इंक्रीज गैस एक्सचेंज,
ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ब्रोंकियो डायलेशन। यानी कि हम बात कर रहे हैं द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक होता है। ठीक है, क्या होता है, बीटा एड्रेनर्जिक। इसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्रोंकियोल को डायलेट करता है, किसको डायलेट करता है, ये ब्रोंकियोल को डायलेट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ब्रोंकियो डायलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न्ड विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड, फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन। यानी कि जो हेल्थ की जो डायमेंशन है प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शंस के साथ में, उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिजिकल डायमेंशन। यानी कि यहाँ पर बात कर रहे अपन बायोलॉजिकल, किसकी बात कर रहे अपन यहाँ पे, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजिकल की डायमेंशन के अंदर क्या आएगा अपना, फिजिकल, क्योंकि फिजिकल डायमेंशन क्या है, बायोलॉजिकल डायमेंशन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, बैरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक, दो फीडबैक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो जब लेबर होता है यानी कि जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे क्या है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ से यूट्रस से सेंसेशन जाता है, कहाँ पे जाता है, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस को लिया जाता है, किस लिए जाता है, ऑक्सीटोक्सिन को रिलीज कराने के लिए। फिर वहाँ से ऑक्सीटोसिन किससे रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो क्या कराता है, यूट्रस के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन कराता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। ए नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक ऑफ द बिलो इज ब्यूट्रोफिनॉल, ब्यूप्रेफ नॉर्फिन, पेंटाजोसिन, नेप्रोक्सोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेप्रोक्सोन। ठीक है, यहां पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन में नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक के बारे में, यानी कि जो अफीम से नहीं बनती है या ओपियम जैसे कंटेंट नहीं रखती है उस मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तीनों मेडिसिन ओपियम से निर्मित होती है, और नेप्रोक्सोन जो मेडिसिन है ये है NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, नेप्रोक्सोन, क्योंकि यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा ओपोइड यानी कि अफीम से डेरिवेटिव एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना वाला होगा वो चौथा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली नियोनेटल डेथ
पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड फीटल डेथ, न्योनेटल डेथ, पेरीनेटल मोर्टलिटी, इंट्रायूटराइन डेथ सेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना प्रीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, प्रीनेटल मोर्टेलिटी। यहां पे बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फीटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीटल अर्ली नियोनेटल डेथ एज पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे अपन, प्रीनेटल मोर्टेलिटी। यहां पे करेक्ट आंसर होगा होगा अपना थर्ड वाला। नेक्स्ट, फर्स्ट डे ऑफ लेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज जुलाई 12, 2020, व्हाट इज शी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। मई 7, 2021, अप्रैल 22, 2021, मार्च 6, 2021, अप्रैल 2021। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका अप्रैल 19, 2021। प्रश्न में क्या पूछा है, फर्स्ट लेडी, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ लेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड 12 जुलाई 2020, व्हाट शी एस्टिमेटेड ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी। प्रश्न में पूछा गया है कि एक महिला है जिसका मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, उसका फर्स्ट डे कब है, 12 जुलाई को, कब है उसका, 12 जुलाई को, ठीक है, और कौन से की, 2020 की, तो उसकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि उसकी डिलीवरी कौन सी डेट को हो जाएगी। तो यहां पर बात कर रहे थे अपन 12 जुलाई 2020 को उसका क्या है, फर्स्ट डे है, ठीक है, फर्स्ट डे किसका, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो हम इसमें नेगले फॉर्मूला से जोड़ लेते हैं, जो 12 जुलाई वाले में नेगले फॉर्मूला से क्या जोड़ेंगे अपन, 3 months + 7 days, यानी कि इसमें 12 में अपन ने 7 जोड़ा तो कितना हो गया, 12 + 7 यानी कि 19 हो जाएगा, और ये नेक्स्ट ईयर में होगा तो अपना क्या होगा यहाँ पर, और अप्रैल का महीना आएगा। मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो प्रेग्नेंट मातृ मृत्यु दर होती है उसे क्या किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी, डेथ ओनली ड्यूरिंग डिलीवरी। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं या इसका मतलब क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर यानी मातृत्व मृत्यु दर की बात करें अपन, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की बात करें, तो मैटरनल जो मोर्टिलिटी रेट होती है वो जब उसने कंसीव किया है, यानी कि जब से कंसीव किया है उस दौरान के अंदर जहाँ तक डिलीवरी के भी कब 42 डेज, डिलीवरी के भी बाद में अगर 42 डेज के अंदर उसकी डेथ हो जाती है तो किसके अंदर आती है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हुई है और डिलीवरी वो भी हो चुकी है लेकिन उसके 42 दिन के अंदर अंदर उसकी कोई मृत्यु हो जाती है किसी कारण वजह से,
तो उसे किसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के अंदर उसको कैलकुलेट करते हैं। द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज नोन एज, ठीक है, कन्वलसेंस, रिकवरी, रिकप्रेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, जो पीरियड है कब से कहाँ, यहाँ पे यानी कि प्रश्न में क्या पूछा है, द पीरियड अबाउट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है यानी कि डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में डिलीवरी के बाद में कहाँ से, 6 वीक्स। 6 वीक्स का मतलब यानी कि हम बात करते हैं यानी कि 42 डेज, यानी कि जब डिलीवरी से 42 डेज का जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं, कन्वलसेंस, रिकवरी, ठीक है, नन ऑफ अबो दीज। तो इन सबको नहीं कहते हैं क्योंकि ये पीरियड, पीरियड का नाम होता है परप्यूरियम, जो पीरियड होता है उसका नाम होता है परप्यूरियम। यहाँ पर ऑप्शन में परप्यूरियम नहीं है, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा अपना चौथा वाला। वाट इज लेबल्ड एज सीवियर अनिमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन, 9 to 11 ग्राम पर डीएल, 7 to 9 ग्राम पर डीएल, लेस देन 7 ग्राम पर डीएल, 12 to 14 ग्राम पर डीएल। वाट इज लेबल्ड सीवियर अनिमिया, तो सीवियर अनिमिया क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। यहां पर अगर बात करें अपन तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा होगा अपना वाला 7 ग्राम, लेस देन 7 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कंप्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि जो आइडियल उम्र क्या है जिसमें हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने लग जाते हैं, 4 to 6 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कौन सी आइडियल एज है कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है अपना 6 मंथ, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना 6 मंथ। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 4 to 6 मंथ, अगर ऑप्शन के अंदर 6 मंथ नहीं होता तो हम किसको लगाते हैं, 4 to 6 मंथ को, अगर यहाँ 6 मंथ की जगह ऑप्शन में 7 मंथ होता तो हम लगाते 4 to 6 मंथ को, लेकिन एक्चुअल जो एज होती है वो 6 मंथ्स के बाद में ही हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यानी 6 मंथ्स, जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अपना रहेगा 6 मंथ्स। नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो स्कर्वी कौन किसकी कमी की वजह से होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, वो होगा विटामिन सी, यानी कि जो विटामिन सी होता है इसकी कमी की वजह से क्या होती है, स्कर्वी जो रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी जो रोग होता है वो होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स होता है, बच्चों के अंदर रिकेट्स और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ए की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाता है और विटोट स्पॉट पाए जाते हैं। विटामिन बी, बी के अंदर अलग अलग डिफिशियंसी होती है, विटामिन B1, B2, B3 अलग अलग डिफिशियंसी होती है, और विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होता है वो होता है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नियोनेटल पीरियड, 0 to 7 days, 0 to 14 days, 0 to 21 days, 0 to 28 days।
यानी कि जो नियोनेटल पीरियड कौन सा है। तो नियोनेटल पीरियड किसे कहते हैं अपन, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अपना 0 से 28 दिन वाला। ठीक है, बात करें अपन नियोनेटल पीरियड की, यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि नियोनेटल पीरियड कौन सा होगा। तो नियोनेटल पीरियड यहां पर ऑप्शन में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 7 और 0 से 28 डेज का। तो यहां पर अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नियोनेटल पीरियड किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं अपन 0 से 28 डेज को। अगर आपसे ऑप्शन में ये से पूछ लिया जाए अर्ली नियोनेटल पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अर्ली नियोनेटल की पूछ लिया जाए तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर 7 डेज, यानी कि 0 to 7 डेज। अगर आपसे पूछा जाए जैसे इस क्वेश्चन में पूछा नियोनेटल, तो यहाँ पर बात करेंगे अपन 0 से 28 डेज की। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनस। तो कौन सी डिजीज फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होती है, तो कौन सी डिजीज फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होती है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पोलियो, यानी कि जो पोलियो है फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है। फीको ओरल रूट का मतलब होता है कंटामिनेटेड वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर्स होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें फीको ओरल रूट यानी कि जो फीसस या फीसस से कंटामिनेटेड वाटर्स होता है उसे कहते हैं अपन फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा होगा पोलियो। ठीक है, डिप्थीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता है, ये ब्लड के कॉन्टैक्ट से होता है और ये सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट से कट लगने की वजह से होता है, कौन, टिटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ए 5 ईयर ओल्ड हैविंग लूज मोशन हैज एडेक्वेट यूरिन आउटपुट एंड इज प्लेफुल, व्हाट शुड यू डू। एक 5 साल का बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रहा है और उसका यूरिन आउटपुट भी सही है और वो प्लेफुल है यानी कि सही स्थिति में है, अच्छे से एंजॉय स्थिति में है, व्हाट शुड डू, तो आप क्या करोगे, गिव ORS टू ड्रिंक, स्टार्टेड IV फ्लूड्स, स्टॉप फीडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा होगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ORS टू ड्रिंक, यानी हम उसको क्या करेंगे, ORS फ्लूड उसको देंगे। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बच्चा है जिसको क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है यानी कि लूज मोशन हो रहा है, लेकिन वो क्या है, उसका यूरिन आउटपुट सही है और बच्चा एंजॉयफुल भी है और प्लेफुल भी है, यानी कि वो गेम वेम खेल रहा है अच्छे से है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, उसको डायरिया हो रहा है, तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की कंडीशन ज़्यादा डिटोरेटेड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओनली लूज मोशन हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, रिप्लेस करना है और उसको रिप्लेस करने के लिए क्या देंगे अपन, ORS। ठीक है, क्या देंगे उसे अपन, ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो भी है वो देंगे अपन, किसको, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे उस किसको, बच्चे को। अगर बच्चे की स्थिति यानी कि वॉमिटिंग होता है और एडेक्वेट यूरिन आउटपुट नहीं होता है, फिर हम क्या करते हैं, स्टॉप फीडिंग भी कर देते हैं और स्टार्ट क्या कर देते हैं, IV फ्लूड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पहला वाला, ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच कॉजेज इनएडिक्वेट मोर्टेलिटी इज टर्म्ड एज स्क्रम्प्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, डायवर्टिकुलर डिजीज,
अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बात करें एगैंग्लियोनिक डिजीज जिस ऑफ इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, यानी कि इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, यानी बात करें पर एगैंग्लियोनिक डिजीज और किसकी, इंटेस्टाइन ट्रैक्ट की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा हिस्क्रम डिजीज। ठीक है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर क्या होता है, गैंग्लियन नहीं बनते हैं। गैंग्लियन यानी कि जहाँ पर सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, वो गैंग्लियन इसके अंदर नहीं बनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं बन पाती है और गैंग्लियन नहीं बन पाते हैं। इसे मेगाकोलन डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूमेंट्री मस्कुलर मूवमेंट पोस्चर एंड बैलेंस, यानी कि जो ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बॉडी के मूवमेंट और पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लॉन्गेटा, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, तो कौन सा हिस्सा है, यानी ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कंट्रोल करता है किसको, पोस्चर और मस्कुलर मूवमेंट को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सेरेबेलम। जो ब्रेन होता है ऐसे ब्रेन होता है, ठीक है, ऐसे ब्रेन होता है, ब्रेन पे यहाँ पे डायन्सेफेलोन होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ सकते मेडुला ओब्लॉन्गेटा, और ये यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में होता है, क्या होता है यहाँ पर, सेरेबेलम, ऐसा गोल गोल होता है, वो होता है सेरेबेलम। तो इसका जो ये होता है सेरेब्रम, ये सेरेब्रम और ये वाला पोर्शन होता है सेरेबेलम। तो ये क्या करता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कौन, सेरेबेलम। तो दोस्तों आप अब अपने आंसर को मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने नंबर्स इसमें गेन किए हैं। थैंक यू दोस्तों।